हेलो फ्रेंड्स, क्या आप इंस्टाग्राम का अकाउंट परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं? और दोस्तों, आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि इंस्टाग्राम का अकाउंट परमानेंट डिलीट कैसे किया जाता है, तो फ्रेंड्स आज आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंट डिलीट करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। दोस्तों, जैसे अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आने के बाद में दोस्तों नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा प्रोफाइल का ऑप्शन। तो दोस्तों आपको सिंपल क्या करना है, प्रोफाइल वाला ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे प्रोफाइल वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ऊपर में देखें थ्री लाइन का ऑप्शन है, आप सिंपली क्या करें, थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना, अकाउंट सेंटर का एक ऑप्शन आपको दिखेगा। तो दोस्तों आपको सिंपली इसे अकाउंट सेंटर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पर्सनल डिटेल्स का, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस पर एक बार टैप कर देना, क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का, दोस्तों देख सकते हैं नीचे में। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस पर एक बार क्लिक कर देना। जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज जो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना, इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना। जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका अकाउंट का यूजर नेम शो होगा इंस्टाग्राम का। अब दोस्तों क्या करना, अब आपको अपने यूजर नेम पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे यूजर नेम पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे डीएक्टिवेट अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है, और दोस्तों नीचे यहाँ पे देखेंगे डिलीट अकाउंट। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे परमानेंट का ऑप्शन दे रहा है। अगर दोस्तों आप अपने अकाउंट को टेम्प्रोरी डिलीट करना चाहते हैं तो ऊपर वाले ऑप्शन में सिलेक्ट रहने देंगे। अगर दोस्तों आप चाह रहे कि आपका अकाउंट जो है परमानेंट हमेशा के लिए डिलीट हो जाए तो दोस्तों नीचे वाले बॉक्स में टिक कर देंगे, ये जो नीचे वाला बॉक्स है इसमें। दोस्तों हम लोग को क्या करना, परमानेंट डिलीट करना। तो दोस्तों मैं नीचे वाले बॉक्स में सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखें कंटिन्यू का ऑप्शन है, आप सिंपली क्या करेंगे, कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जाएगा कि क्यों अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, रीज़न बताएं। तो दोस्तों यहाँ से मैं यहाँ पे अपना एक ऑप्शन डाल दे रहा हूँ, समथिंग इल्स, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में। तो दोस्तों मैं सिंपल इस पर टैप कर दूंगा, आपको भी क्या करना है, इसे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखें नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन, आप सिंपल क्या करें, कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे बोला जाएगा कि आप अपने अकाउंट का पासवर्ड डालें। जैसे यहाँ पे आप अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड डालेंगे तो दोस्तों यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों पासवर्ड डालने के बाद में आप अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो कि आप इंस्टाग्राम का अकाउंट परमानेंट डिलीट कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब भी कोई प्रॉब्लम हो इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करने में तो दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर आप हमसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के दूसरे वीडियो में।